नमस्कार, आज हम बनाएंगे भूंगड़ा बटेटा। ये अहमदाबाद की एक बहुत ही फेमस स्ट्रीट फूड है, बहुत टेस्टी और चटपटी होती है और घर में तो आप इसे 10 मिनट के अंदर बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसके दो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं, एक है ये फ्रायम जिसे भूंगड़ा कहते हैं, दूसरा है बटेटा यानी कि आलू। फ्रायम्स तो मार्केट में आपको मिल जाएंगे आराम से। यहाँ पर हमने 3 आलुओं को उबाल लिए, मीडियम साइज़ के आलू लिए थे और उसको पील करके छोटे पीसेस में काट लिया है। बाइट साइज पीसेस में हमने इसे काटा है। आप चाहे तो इसके जगह बेबी पटेटोज भी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें आलू के लिए मसाला तैयार करना है। मसाले के लिए हमने लिया है 3 बेड़गी मिर्चें। इसको 20 मिनट गर्म पानी में भिगो के रखा था ताकि पीसने में आसानी हो। और उसके साथ हम लेंगे 1 इंच का अदरक का टुकड़ा। अगर आप लहसुन खाते हैं तो आप लहसुन भी इसमें ऐड कर सकते हैं। मिर्चों को और अदरक को हम अच्छे से पीस लेंगे। मिर्च को पानी समेत ही मिक्सर जार में डालेंगे और इसका एक फाइन पेस्ट बनाकर तैयार करेंगे। ये मिर्च कलर बहुत अच्छा देती है और तीखी कम होती है, तो इसलिए हमने ये यूज़ किया है। आप इसकी जगह कश्मीरी मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं और अगर रेगुलर मिर्च यूज़ कर रहे हैं तो क्वांटिटी कम रखें। अब हम आलू बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने पैन में लिए थोड़ा सा ऑयल। ऑयल की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ऑयल गरम होगा तो इसमें 1/4 टीस्पून हम डालेंगे हींग का पाउडर और उसे भून लेंगे। अब इसमें हम ये पिसा हुआ मसाला डालेंगे। आप कलर देख पा रहे होंगे, कितना सुंदर कलर आया है। जो मसाला मिक्सर जार में पड़ा है उसे वेस्ट नहीं करेंगे, थोड़ा सा पानी डाल के उसके भी निकाल लेंगे। और इसमें अब हम डालेंगे बेसिक मसाले। तो स्वाद के अनुसार हम इसमें नमक डाल लेंगे। अगर आपको इसका तीखा कम लग रहा है तो आप मिर्ची का पाउडर इसमें और डाल सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे हल्दी। तो 1/4 टीस्पून हम हल्दी डालेंगे। हल्दी ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि हमें इसका कलर ख़राब नहीं करना है। और डालेंगे धनिया पाउडर, करीबन आधा टेबलस्पून से पौना टेबलस्पून जितना धनिया पाउडर डाल लेंगे। और साथ में आधा टीस्पून डालेंगे हम जीरा पाउडर। अच्छे से मिक्स करेंगे और मसालों को हम 2 से 3 मिनट तक अच्छे से भूनने देंगे। जब मसाला भून जाएगा तो हम बाकी के इंग्रेडिएंट्स डालेंगे इसमें। ये देखिए, इस तरीके से मसाला भून गया। अब इसमें हमने डालनी है खटाई। तो खटाई में हम डाल रहे हैं इमली का पानी। तो यहाँ पे हम अभी 2 चम्मच इमली का पानी डाल लेंगे। आपके पास अगर इमली नहीं है तो आप इसमें आमचूर भी डाल सकते हैं खटाई के लिए, और नींबू भी डाल सकते हैं। लेकिन नींबू आप पूरा डिश फिनिश होने के बाद ही डालें, नहीं तो इसमें कड़वापन आने के चांसेस होते हैं, नींबू को पकाते नहीं हैं। थोड़ा सा इसमें गुड़ डालेंगे ताकि टेस्ट बैलेंस हो जाए। गुड़ की जगह आप चीनी भी डाल सकते हैं या खजूर का पेस्ट भी डाल सकते हैं। इमली के पानी को हमें अच्छे से पकने देना है ताकि उसका स्मेल निकल जाए और उसके बाद हम टेस्ट चेक करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा नमक और खटाई कम लग रही है तो हमने यहाँ थोड़ा सा नमक डाल दिया और 2 चम्मच और खटाई डाल दी, यानी इमली का पानी। नमक, खटाई, मिर्च सब आप अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर लें। अब इसको दोबारा से हम 2 से 3 मिनट तक अच्छे से पकने देंगे और उसके बाद हमें इसमें आलू डालना है। मसाले अच्छे से पके हो तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आलू जब आप यूज़ कर रहे हैं तो ध्यान रखना आपको कि आलू ठंडे हो चुके हो, क्योंकि अगर गरम आलू डालेंगे तो उसका हलवा बन जाएगा। आलू का जो पीसेस है उसका शेप रिटेन नहीं होगा। मसाला हमारा हो गया है, रिड्यूस भी हो गया है थोड़ा सा। इस स्टेज में हम इसमें आलू डालेंगे। आलू डाल के बिल्कुल हल्के से आपको इसे मसाले में कोट करना है, क्योंकि आलूओं को तोड़ना नहीं है हमें, पीसेस ऐसे ही रहने चाहिए। अब इसे हम पकाएंगे जब तक कि आलू सारे मसाले एब्जॉर्ब करके ऐसे ड्राई ना हो जाए। हमारा बटाटा रेडी है, इसमें हम गार्निशिंग करेंगे। तो गार्निशिंग के लिए हम हरा धनिया डाल लेंगे, फ्रेश हरा धनिया, और इसको गर्मा गर्म सर्व किया जाता है। तो आप फ्रायम्स के साथ इसे गर्मा गर्म सर्व करें और बहुत अच्छा लगेगा ये खाने में। तो आप भी ये भूंगड़ा बटाटा अपने घर में बनाइए, खाइए और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिए। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।